नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार चल रहे विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। यूपी सरकार ने इस दौरान विकास दुबे पर इनाम भी बढ़ाकर 5 लाख घोषित कर दिया है। वहीं विकास दुबे के अलावा उसकी पत्नी ऋचा दुबे भी फरार चल रही है, पुलिस उसकी भी तलाश में है। वहीं विकास दुबे की राजनीतिक लोगों से करीबी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पता चला है कि कुख्यात विकास दुबे की पत्नी ऋचा सपा की सक्रिय सदस्य थी। उसने 2015 में 20,000 रुपए समाजवादी बुलेटिन की आजीवन सदस्यता शुल्क दिया था। 2015 में सपा के समर्थन से ही उसने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। अधिकृत प्रत्याशी के लिए ऋचा दुबे ने फॉर्म भरा था। फॉर्म में सपा की सक्रिय सदस्यता का नंबर भी भरा। इसमें उसने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में शामिल होने का जिक्र किया, वहीं पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार करने का भी जिक्र किया है। बता दें, विकास दुबे को लेकर यूपी की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले पर योगी सरकार पर जमकर हमलावर किया। योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला है और विपक्ष पर पलटवार किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।